जो भी आज मैं टेस्ट करने लगा हूँ प्रॉन्स, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत गरम गरम है भाई। मम्मा यार क्या बना दिए माशाल्लाह से यार। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत टाइट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज हम देखें कितने मज़ेदार से प्रॉन्स जो है ना हम फ्राई कर रहे हैं। और ये देखें, एक प्रॉन गया। आपने एक एक करके इस तरह इसको डिप कर करके, ये देखें प्रॉन्स को आपने ना बीच में से कट लगा देना, और ताकि ये बिल्कुल लेंथ वाइज ये लंबे लंबे बने, जैसे होटल्स में होते हैं ना, रेस्टोरेंट में। वो क्यों होते हैं कि वो बीच में से ना इसको ना अंदर की तरफ से कट लगा देते हैं। और ये मैंने इसमें एक पहले मैरिनेट करने के लिए लहसुन अदरक और ना चिली फ्लेक्स, नमक और काली मिर्च, ये मैंने पहले ना इसमें ना और थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस डाल के ना हमने अपने प्रॉन्स को मैरिनेट कर लिया था, सुबह में लगा दिया था। और अब इसके बाद फिर हमने इसमें ये मैदा है, 2 चम्मच अगर हमने मैदा लिया ना तो 6 चम्मच हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है और 1 अंडा डाला है, और इसके अंदर काली मिर्च है और इसके अंदर नमक है खाली, ठीक है। ये आपने यूँ करके इसको बस डिप कर करके ना, अच्छा थोड़ा सा ना दो चुटकी के करीब आपने इसमें वो भी डाला है, बेकिंग सोडा भी डाला है, सही है। और बस आपने इसको फिर डिप कर करके ये फ्राई करते जाने। ये देखिए फ्राई हो रहे हैं, और अभी देखिए आप कितने भेजेंगे मुझे फ्राई हो रहा है। अभी जो है ना ये इसको बहुत ज़्यादा इसका ऑयल उछल रहा है, इसलिए कि उसमें पानी भी है ना, प्रॉन्स में आपके पानी भी छोड़ा है। ये देखने लजीज प्रॉन्स बने ये ना इंशाल्लाह, तो जो भी खाएगा तारीफ करता रह जाएगा। और इसी तरह हमने फिश को भी मैरिनेट किया हुआ, सही है। अभी ना हमने अगर चूल्हा हल्का कर दिया, और सही है फिश को भी हमने लाहौरी फिश भी हमने लहसुन अदरक और हमने लाहौरी फिश मसाला और ना इसमें ना लहसुन के साथ हमने ना पीस लिया था हरी मिर्च को भी, और वो भी हमने इसमें डाल दिया, सरसों का तेल डाला और थोड़ी सी हमने इसमें ना चाट मसाला डाल के ना इसको भी हमने कल लगा के रख दिया था। अब हम मसाले लगा के फ्राई करेंगे जब तक हमारे प्रॉन्स फ्राई हो जाए। और अली ने तो आप टेस्ट कर चुके हैं, अली आप मुझे इसका जायका बताएं आपको कैसा लगा? अली तो खा चुके हैं माशाल्लाह, अभी एक टेस्ट कराया था मैंने इनको। और ये माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन बन रहे हैं। और ये मैं इसी तरह फ्राई करती हूँ, इसमें ना अंडा भी डाल देती हूँ मैं ना, अंडा डालने से ना ये थोड़े से जैसे आपने रेस्टोरेंट में देखे होते ना, और ये थोड़े से ही इसमें ना हल्का सा स्पाइस होता है, इसलिए काली मिर्च होती है ना, और थोड़ी सी हमने ना इसमें चिली फ्लेक्स भी डाले थे, चिली फ्लेक्स आपको नज़र आ रहे होंगे इसमें मसाले में, और रेड चिली सॉस भी हमने डाली थी थोड़ी, और काली मिर्च भी डाली थी, नमक डाला था, तो उससे ज़रा टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। और जो कंप्लीट रेसिपी है ना इंग्रेडिएंट्स, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, और आप लोग बनाइएगा और इंशाल्लाह खाइएगा, और उसके बाद मुझे रिव्यू दीजिएगा कमेंट्स में कि कैसे लगे आप लोगों को खाने के बाद, कैसे बने, आपके घर वालों ने तारीफें की। आजकल सर्दियों स्टार्ट हो गई हैं हल्की हल्की सी, वैसे कराची में स्टार्ट हुई हैं, लेकिन ये कि अभी हम लोग बना सकते हैं। इसके अंदर हमने ना देखें काली मिर्च डाली थी और चिली फ्लेक्स डाले थे इसमें, अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल दीजिएगा, सही है। मैंने ये आधे किलो के करीब मेरे प्रॉन्स थे, आधे किलो से ज़्यादा साफ़ होने के बाद निकले थे। उसके अंदर हमने चिली फ्लेक्स डाले, काली मिर्च डाली, नमक डाला और हॉट एंड सॉर जो वो रेड चिली सॉस है वो हमने इसमें ऐड की है, नमक डाला है, और इसके अंदर लहसुन अदरक और हरी मिर्च को हमने पीस के वो भी हमने ऐड किया, सही है। लहसुन अदरक हरी मिर्च भी हमने पीस के डाली है, और बस इसको मैरिनेट कर दिया था सुबह से हमने, या एक दिन पहले आप लगा लें। उसके बाद इसके अंदर हमने जो इसका ये बैटर तैयार करना है उसके अंदर हमने लिया है 2-3 चम्मच के करीब हमने ये मैदा लिया, और ये वाले 6 से 7 चम्मच हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया, और ना 2 चुटकी के करीब हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया, और इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है, और 1 अंडा ऐड किया, इसको हमने बैटर बना लिया, ठीक है। ये आप अच्छा, अब जो प्रॉन्स है ना, प्रॉन्स यूँ होते हैं, देखा है आपने,
आपने इसको इधर से अंदर की तरफ से यहाँ से दो कट लगाने हैं, दो से तीन कट लगा देंगे ये सीधे हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा गहरे कट नहीं लगाइएगा बिना टूट जाएंगे, सही है। ये आपके जो हैं बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। फिर आपने इसके बाद इस तरह इनको ये देखें फ्राई करना शुरू करना है, बिल्कुल सीधे सीधे बनेंगे, बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल के। तो भैया मैं टेस्ट करने लगा हूँ प्रॉन्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत गरम गरम है भाई। मम्मा यार क्या बना दिए माशाल्लाह से यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत जबरदस्त, बहुत टाइट।